नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव फ्लैश। मैं तान्या। भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर मंडल अध्यक्ष घोषणा को रद्द करने की मांग। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष पर लगाए मनमानी का आरोप। गिरिडीह पश्चिमी मुफसिल मंडल अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी मंडल को मंडल अध्यक्ष की घोषणा करना था और हम सभी ने सर्वसम्मति से चुनाव प्रभारी को एक नाम अपने मंडल से भागीरथ मंडल का नाम दिया है। इसकी एक कॉपी माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को दिया, लेकिन जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने यह घोषणा किया है वह एक अनजान व्यक्ति को कर दिया गया है जो सरासर गलत है। और यह घोषणा रद्द नहीं किया गया तो मुफस्सिल क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे। गिरिडीह प्रखंड के लिए प्रखंड अध्यक्ष का चयन होना था और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के देशानुसार 27 फरवरी 2020 को पचम्बा राजगढ़िया धर्मशाला में मंडल अध्यक्ष के लिए रायशुमारी की गई थी। उसमें गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल के लिए हम लोग 3 उम्मीदवार थे, जिसमें सिटिंग अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद वर्मा और हम थे और प्रखंड के महामंत्री अरुण राणा थे। उस चुनाव में सर्वसम्मति हमारे प्रखंड के जो भी पदाधिकारी जो रायशुमारी में सम्मिलित थे, जिनको करना था, वो सभी लोग मिलकर एक ही नाम राय आया और एक ही नाम मेरा ही नाम सर्वसम्मति से भेजा गया, जिसमें सभी का जो मतदान मैंने सर्वसम्मति बनाने में जो थे सभी का एक राय बना और मेरा ही नाम प्रस्ताव भेजा गया, जो लिखित आवेदन के साथ सभी का हस्ताक्षर है। और माननीय कांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी भी उनमें मतदान करने के योग थे, उनका भी हस्ताक्षर है। रामेश्वर पासवान जी प्रखंड जिला परिषद उपाध्यक्ष, उनका भी हस्ताक्षर है। और जब हम लोग निश्चित हो गए थे कि जब एक राय एक मत होकर एक आदमी का नाम गया है तो निश्चित तौर पर हम घोषणा होगा, लेकिन जिस दिन गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी जब घोषणा किए तो हम लोग सब चकित रह गए, गिरिडीह मुफस्सिल के कार्यकर्ता, क्योंकि जब देखे कि नाम यहाँ पर जिसका नाम भी नहीं था, उम्मीदवारी में भी नहीं थे, और वह नाम मनोहर यादव को उन्होंने घोषणा कर दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह प्रखंड के सभी कार्यकर्ता मर्माहत हैं, आक्रोशित हैं। और यह संगठन को रसातल की ओर जिला अध्यक्ष ने मनोहर यादव को मनोनीत कर रसातल में हम लोग को जो संगठन है वह नीचे की ओर धकेल दिया है। इसलिए मैं पुनः एक बार जिला अध्यक्ष को प्रदेश जिला अध्यक्ष से बात जब हमने किया तो बोला हम तो कर दिए, जो करना है कीजिए, हमसे अब नहीं होगा, आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम कर पूरे प्रखंड कार्य समिति की जो हमारा टीम था सभी ने बैठकर एक राय लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक को भी मैंने आवेदन दिया, संगठन मंत्री को प्रदेश में जाकर दिया। और आज मैं माननीय श्री बाबूलाल मारंडी जी को प्रतिपक्ष के नेता को भी अपना ये आवेदन पत्र सौंपा है। और अब आगे क्या कुल विचार क्या किया जाता है ये तो प्रदेश पर निर्भर करता है, इसलिए ऐसी घिनौना काम नहीं करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह मुफस्सिल की ओर से सभी कार्यकर्ताओं से इसे महादेव दुबे जिला अध्यक्ष के प्रति निंदा प्रस्ताव लाते हैं और ये घिनौना काम इनको नहीं करना चाहिए। चाहे लोगों के विचार से लोगों के भाव से लगा और लोगों के जो वक्तव्य था, ये पैसे के लेन देन पर इनको मनोनीत किया गया है, यह एक शर्मनाक बात है। ऐसे संगठन हमारा कमज़ोर हो जाएगा, संगठन में ये सब नहीं होनी चाहिए, जबकि ये प्रखंड स्तर का है। ऐसे में जब एक राय जब सभी का गया था तो एक नाम को घोषणा करना चाहिए था। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 27/2/2020 को एक रायशुमारी के लिए प्रदेश से हमारे पचम्बा धर्मशाला राजगढ़िया धर्मशाला में बैठक हुई थी। उस बैठक में रायशुमारी हो रहा था प्रखंड अध्यक्ष का और हम लोग का रायशुमारी बना, और जिसमें हम लोग उम्मीदवार थे, एक हम थे, एक हमारे प्रखंड भागीरथ मंडल जी थे, अरुण राणा जी थे, महेंद्र प्रसाद वर्मा जी थे। ये चार में से एगो जब हम लोग बैठे रायशुमारी बना भागीरथ मंडल का, लेकिन भागीरथ मंडल जी को हम लोग सोचे कि भागीरथ मंडल जी का एक आवेदन हम लोग बनाए और रायशुमारी बना के दे के प्रदेश भेज दिए, लेकिन प्रदेश से या क्या हुआ नहीं हुआ नहीं कर सकते हैं। लेकिन महादेव दुबे जी जब अभी घोषणा किया तो वहाँ एगो नया लड़का का घोषणा कर दिया, जिनसे हमारे मुफस्सिल के सभी कार्यकर्ता
आक्रोशित है और उम्मीद है कि अगर इस पर कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो आने वाला समय गिरिडीह मुफस्सिल में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो।